हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। सो आज रक्षाबंधन है। अभी बज रहे हैं 2, बहुत भूख लगी है। लेट्स गो एंड ईट समथिंग एंड जल्दी से फ्रेश होके मिलता हूँ आप सबको। सो वी आर रेडी टू लीव। हमने ड्रेसिंग कर ली है, नॉट मोर बट एक जीन्स पैंट और एक वाइट शर्ट, फॉर कुर्ते अर्दे भी पहनते हैं बट आई डोंट लाइक दैट। सो डिसेंट ट्रेडिशनल लुक, वाइट शर्ट, जीन्स पैंट, दैट्स इट, लेट्स गो। कमेंट में बताओ कि आपका भाई लक कैसा रहा। सी इट्स गुड, डिसेंट, आई लाइक सिंपल थिंग्स। वो ज़्यादा उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। सो लेट्स गो, तो लेट्स गो इन दोनों के साथ, लेट्स गो। चल की वो फोटो अकाउंट है, चल चल इधर बात मत। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राखी हमने बांध ली है, टाइम टू रिलैक्स। थोड़ी देर के बाद घर चले जाएंगे, पोस्टिंग सम रील्स, पोस्टिंग फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, देन विल लिव। सो लेट्स गो होम। अभी बज रहे 5 PM, लेट्स गो टू होम और फिर प्लान करते हैं कहीं बाहर जाने का, लाइक मूवी। लेट्स गो टू अ मूवी। हाँ, हम हर रक्षाबंधन कोई ना कोई मूवी को जाते हैं, कोई ना कोई मूवी जाते हैं। सो लेट्स गो टू अ मूवी। आई थिंक इवन मे बी नॉट श्योर जा सकते हैं, नहीं भी जा सकते, देखते हैं क्या होता है। सो अगेन वी आर बैक हियर एंड कुछ सामान, आई मीन एक बहन से तो राखी बांध ली, बट वी हैव सो मैनी सिस्टर्स, तो उनके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेने आया हूँ। अभी लेके फिर घर जाएंगे, क्योंकि मेरे एक बहन नहीं है, बहुत सारी बहन है। वो आप आगे वीडियो में देख लो कि कितने सारे हैं और हर साल मुझे कितने सारे लोग राखी बांधने आते हैं। सो लेट्स गो। एट द वेदर गाइस, वाओ।
So the celebration was very good and it went really very well. But मूवी नहीं जा पाई क्योंकि मूवी के लिए बहुत ही टाइम सेलिब्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था. सो वी डिडेंट हैव दैट मच टाइम टू गो और टाइम ही नहीं था. फिर जाके 12-1 बजे आना पड़ता था और वी नीड एक्चुअली रेस्ट. कल लेग सेशन किया था, आज बहुत दबा के दर्द दे रहे. सोनू को कल तो लेग्स बहुत दर्द दे रहे एंड पता नहीं क्यों बहुत थकान सा हो रहा है और लो फील कर रहा हूँ, चक्कर आ रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. आई थिंक आई नीड रेस्ट. या सुबह से बहुत मीठा तो बहुत कम ही खाता हूँ बट बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया शायद आज, तो इसीलिए कुछ माइग्रेशन सा हो रहा है. आई एम नॉट फीलिंग वेल, देखते हैं. अभी तो सिर्फ सीधा सो जाऊँगा, खाना खा के सीधा सो जाऊँगा. देन आई डोंट नो व्हेन आई विल कंटिन्यू द व्लॉग. देखते हैं, आई नीड अ रेस्ट. तो गोलियां ले लिए, लेट्स गो होम. अरे थाम कर, आई डोंट नो क्या हो रहा है बट थोड़ा सा सो गाइस हॉस्पिटल गया मैं. हॉस्पिटल गया, डॉक्टर बोले कुछ वही वायरल फीवर है. सो छोटा मोटा हो जाए बट ये समझ में आया कि 5 मिनट में हो गया यार. 5 मिनट में पूरी हेल्थ ही चेंज हो गई, पता नहीं क्यों. जैसे ही राखी हुई कि वो सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, हेडेक और टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया था. बट नाउ आई एम फाइन. अभी थोड़ा बहुत डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है, आई हैड माई मेडिसिन. अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगा तो आई विल बी गुड, फिट एंड फाइन. सो लेट्स गो, मीट यू एट द मॉर्निंग. बाय बाय. गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? सो आई एम फिट एंड फाइन. फाइनली हेल्थ वापस आ गई है. तो कल द रीज़न वाई दिस इज़ बिकॉज कल इमीडिएटली हॉस्पिटल चले गए हम. कॉल टू एक्शन ले लिया था, इमीडिएटली हॉस्पिटल गए एंड ही डॉक्टर गेव मी मेडिसिन, खा के सो गया. सो आई एम नाउ आई एम रियली वेरी फिट एंड फाइन. बस सो चलिए चलते हैं. कहाँ जा रहे हैं? आई से यू. मेरी एक और बहन है, उसके घर जाएंगे. वनस्थलीपुरम में मेरी एक और बहन रहती है, हम वहाँ जाएंगे. फिर उसके पास भी राखी बननी है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे. या जाना ज़रूरी है बिकॉज़ यहाँ कल जितने भी आए थे उन सब के बराबर वो भी है, तो वहाँ भी जाना पड़ता है. सो लेट्स गो देयर. सो वी आर हियर एंड और प्लान में कुछ थोड़ा सा चेंज. वी आर नॉट गोइंग देयर. मेरी बहन ही है, वो ही मम्मी के साथ यहाँ पे आ रही है. मेरी मम्मी भी अपने भाई को राखी बांधने गई है. मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों यहीं पे आ रहे हैं. सो ऑब्वियसली शी विल टाई मी राखी हियर ओनली. तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो मुझे इस हालत में भी खुद से गाड़ी चला के 1-2 घंटा ट्रैवलिंग पे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. बट आई एम फिट एंड फाइन, आई कैन गो. बट यू नो मम्मी और पापा कैसे हैं? दे आर सो देस, क्योंकि अकेला हूँ ना, सो दे आर टेकिंग सम केयर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप आपने रक्षाबंधन अपना एंजॉय किया होगा एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने, आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शूटिंग. फर्स्ट टाइम नहीं, ओके, मैंने अभी स्टार्ट किया है. तो दिस वॉज द वेरी स्पेशल एंड मेमोरेबल रक्षाबंधन फॉर मी एंड फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा ब्लॉग शूट किया है कि रक्षाबंधन का. अब हर साल शूट करेंगे, देखते हैं ठीक है. आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दैट. सो अभी हेल्थ का कोई इशू नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन लाइक ऑलवेज. वो बस रात को कुछ पता नहीं ज़्यादा मीठा हो गया था या वायरल फ्लू हो गया था, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं. बट लिव दैट. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. 1 सेकेंड लगेगा लाइक का बटन दबाने में. और आप, मैंने वीडियो रात में उतना बीमार रह के भी मैंने वीडियो एडिट किया है, तो प्लीज़ उसके लिए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर बनता है. आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को आप सपोर्ट दो. तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करो जो ब्लॉग से रिलेटेड कोई भी कॉन्टेंट देखता है, वैसे लोगों के साथ शेयर करो.
With that said, as always, stay fit, stay motivated. Bye bye, take care.